नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी के लाइव फोन इन कार्यक्रम में। मैं हूं तन्वी खुराना और आज के दिन की हम शुरुआत करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक से जो हम सभी के लिए जरूरी है। टॉपिक है रिलेशनशिप्स इन्वेस्टमेंट इन वेल बीइंग। रिश्ते हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, हम इंसान है और सोसाइटी में रहते हैं और इसीलिए हमें एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप्स बना के रहना चाहिए और वो जितने हेल्दी होंगे उतना ही हमारे मेंटल स्ट्रेस अच्छा होगा, हमारी फिजिकल बीइंग अच्छा होगा। तो रिलेशनशिप्स कैसे बनाए जाते हैं, उनकी जरूरत क्यों होती है, इसी के बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो ये जो पर्टिकुलर सेशन है वो सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन क्योंकि ये एक जनरल टॉपिक है इसे कोई भी देख सकता है, पेरेंट्स हो, स्टूडेंट्स हो, टीचर्स हो, आप सभी इन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, हमसे कुछ पूछना चाहते हैं इसी टॉपिक के बारे में, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। ciet.kishormanch@gmail.com है हमारा ईमेल आईडी। और अगर आप हमें फोन करना चाहें तो हमारे पास दो टोल फ्री नंबर्स हैं, आप उन पे फोन कर सकते हैं 1800112199 और दूसरा नंबर है 1800111265। अगर आप हमें YouTube पर इस वक्त देख रहे हैं तो हम लाइव आ रहे हैं NCERT ऑफिशियल चैनल पर, उसके कॉन्वर्सेशन बॉक्स में भी आप अपनी स्टोरीज शेयर कर सकते हैं, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगले 45 मिनट तक हमारी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होंगी और वो आपके सभी सवालों का जवाब भी देंगी। आप हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं स्वयं प्रभा के चैनल नंबर 31 किशोर मंच पर, लेकिन आप हमें और भी चैनल्स पर देख रहे हैं, जैसे कि टाटा स्काई पर चैनल है 756 यानी कि 756, डिश टीवी पर चैनल नंबर है 950, एयरटेल पर आप हमें देख रहे हैं चैनल नंबर 440, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर है 477, सन डायरेक्ट पर चैनल नंबर है 793 एंड डीडी फ्री डिश चैनल नंबर है 128 यानी कि 128। तो बहुत सारे माध्यम है जिनके जरिए आप हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं और ये पूरा सेशन आप देख सकते हैं किशोर मंच ऐप पर भी। अगर आप उसे डाउनलोड करें तो पुराने सेशंस भी आपको वहां मिल जाएंगे और आप वो भी देख सकते हैं अगर आपने कोई मिस कर दिए हैं। तो आइए मिलते हैं हमारी आज की एक्सपर्ट से जो कि बातचीत करेंगी हमारे साथ रिलेशनशिप्स पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर रुचि शुक्ला, स्वागत है आपका मैम। नमस्कार, गुड मॉर्निंग तन्वी। मॉर्निंग मैम। मैम है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी से, और सवाल जवाब का ये सिलसिला शुरू करते हैं। मैम, सबसे पहले जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये रिलेशनशिप्स जिन्हें हम रिश्ते कहते हैं हिंदी में, वो आखिर होते क्या है, उनका मतलब क्या होता है? तन्वी, जैसे कि आपने अभी इंट्रोडक्शन में बात की कि रिलेशनशिप्स हैं, इम्पोर्टेंट होती हैं सबके लिए, एक जनरल टॉपिक है, लेकिन सेकेंडरी लेवल के लिए टारगेट इसलिए ज्यादा जरूरी है रिलेशनशिप्स का, बिकॉज दिस इज द टाइम दैट यू स्टार्ट फॉर्मिंग योर लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप्स, be it in the form of friends, be it in the form of choosing the right mentor in life, be it in the form of looking up to someone, a sibling or a relative who is a continuous help to you throughout life, ya fir kuch cases mein life partner ke bhi choices shayad is level pe banne lagte hain. To is stage pe important ho jata hai ki hum pehle to samajh paye ki relationships kya hain, what actually comprises a relationship and why are they important, because jab hamare ye questions sorted hote hain tab hum us level pe pahunch pate hain jahan ki hum sahi decision le paaye aur relationships ko sahi tarike se nurture kar paaye. To secondary level ke students ko khas taur pe in kuch cheez jo hum aaj apne session mein discuss karenge inka dhyan rakhna chahiye, for the very reason ki jab aapki life ke critical decisions aur relationships ki baat aayegi to aap better equipped hoenge apne aap ko ye samjhane aur guide karne mein ki kis cheez pe focus kiya jaye aur kis relationship ko nurture kiya jaye. Is context mein main thoda sa ye slide share karna chahungi where aapko pata chalega ki you know how to go about looking at relationships. Okay. अब इफ वी टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स, पहला क्वेश्चन दिमाग में हमारे ये आता है कि व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट, या ये रिलेशनशिप्स होती क्या है.
राइट तो इस कॉन्टेक्स्ट में हियर इज अ पीपीटी दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड ये रिलेशनशिप्स एग्जैक्टली होती क्या है एंड व्हाई वी शुड फोकस ऑन दीज एस्पेक्ट ऑफ रिलेशनशिप्स. फर्स्ट इज कोई भी जो आपका एक दूसरे व्यक्ति के साथ रिश्ता है उसको एक रिलेशनशिप का नाम देने से पहले आपको कुछ पैरामीटर्स पे उसको मेजर करना होता है. क्या वो पर्सन ऐसा है जिस पे आप रिलाई कर सकते हैं? क्या वो पर्सन ऐसा है कि जब आप मुश्किल के टाइम में या बहुत खुशी होती है आपकी जिंदगी में तो क्या उस पर्सन के पास आप जाते हैं उस चीज को शेयर करने के लिए या उसमें उसका एडवाइस लेने के लिए? क्या वो व्यक्ति आपको वो केयर और लव दे पाता है और उस चीज को कम्युनिकेट कर पाता है आपको टाइम एंड अगेन जो कि आपको फील गुड फैक्टर्स लाती है, वांटेड एंड बीइंग लव्ड की फीलिंग लाती है? और कुछ पैरामीटर्स हैं जिन पे आपको उस व्यक्ति को उस रिलेशनशिप को जज करना या उसको असेस करने में मदद मिल सकती है. वो है कि उस पर्सन पे या उस रिश्ते पे आप कितना टाइम और अटेंशन डिवोट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर व्हाट्सएप पे चार मैसेजेस हैं और आपको चार लोगों के मैसेजेस दिखते हैं तो आप पहला मैसेज किसका पढ़ना पसंद करते हैं? दैट फर्स्ट पर्सन इज प्रोबेबली मोर लाइक्ड बाय यू एज कंपेयर टू अदर्स. सो दैट इज वन पैरामीटर. देर आर अदर पैरामीटर्स लाइक कि जब उस व्यक्ति मैम आई कांट सी योर स्क्रीन, वी कांट सी योर स्क्रीन. Okay, Tanvi, I'll try. I think I was sharing, but one minute. So I was. We saw the first slide, but after that, it vanished. Okay, my screen shows a share screen, so I don't know why it is not coming. So maybe you can stop share and then share again. Okay. So since we are talking about these aspects, अगर हम इन्हीं पे फोकस करते जाएं, देन वी कैन सी दैट हर किसी रिश्ते का कुछ यू नो महत्व होता है हमारी जिंदगी में. देयर इज समथिंग वी लाइक एंड देयर इज समथिंग वी डू नॉट लाइक. राइट. एंड जब एक रिश्ता ऐसा हो जो आपकी लाइकिंग के हिट्स ज्यादा हो जिसपे कंपेयर. आप दिख रहे हैं तन्वी? हाँ जी मैम, अब दिख रहा है. ओके, सॉरी व्यूअर्स, आई थॉट आई वाज शेयरिंग बट कुछ प्रॉब्लम थी. सो अगर उस रिश्ते में आपको ये सारे फीलिंग्स आते हैं जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, लाइक आप उससे बात करना पसंद करते हैं, आप उससे फ्रीक्वेंटली बात करना पसंद करते हैं, वह व्यक्ति आपको फीलिंग कराता है कि आप इम्पोर्टेंट हैं, वो आपकी जिंदगी में इम्पोर्टेंट है, तो ये रिश्ता प्रॉबेबली एक रिलेशनशिप है और एक अच्छी इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है. कुछ पैरामीटर्स तन्वी और हैं जो हम यहाँ देख रहे हैं, जैसे ट्रस्ट वाला फैक्टर होता है. यू डोंट ट्रस्ट एवरीवन, यू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, यू टॉक टू देम, यू प्रोबेबली मेंटेन अ कम्युनिकेशन आल्सो विद देम, बट द सेंस ऑफ ट्रस्ट वेदर इट इज द इमोशनल लेवल और द फिजिकल लेवल माइट नॉट बी देयर. अगर ये गैप है उस पर्सन के साथ, देन दैट इज अ इंडिकेटर दैट दिस इज नॉट प्रोबेबली अ पर्सन जिसके साथ आप एक रिलेशनशिप, एक फ्रूटफुल रिलेशनशिप में रह सकते हैं. आपकी सेंस ऑफ ग्रेटफुलनेस होती है टुवर्ड्स अनदर पर्सन. अगर हम फोकस करें अपने जिंदगी के इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स पे, रिफ्लेक्ट करें, तो हम देखेंगे कि कुछ एक रिश्ते होते हैं जिनके तरफ हमारी ग्रेटफुलनेस की फीलिंग होती है बिकॉज उन्होंने हमें कुछ दिया होता है. देयर इज अ सेंस ऑफ गिविंग, देयर इज अ सेंस ऑफ लव एंड केयर एंड एक्सेप्टेंस. तो जब जिस रिश्ते में ये फीलिंग्स होती हैं, वो रिश्ते आर वेरी हेल्दी रिलेशनशिप्स एंड दे हैव अ पोटेंशियल टू बी लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप. तो ये एस्पेक्ट पे यूथ शुड फोकस अपॉन. और अदर देयर आर सेवरल एस्पेक्ट दैट आई विल ओनली डिस्कस अ फ्यू. फिर ओपनली प्रोवाइड एंड रिसीव अफेक्शन वाला जो एस्पेक्ट होता है, दिस कैन बी अ लिटिल डिफरेंट एंड येट बी अ हेल्दी रिलेशनशिप. कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं जैसे कि हम जानते हैं, दे आर नॉट सो यू नो जिसे कहते हैं शो केसिंग ऑफ देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू. Then there are cultural aspects also. For example, हमारे ही कल्चर में अगर हम इंडिया की बात करें तो physically touching and hugging is not such a prevalent thing, at least not in generations who are just you know preceding us. तो अगर ये नहीं है तो you can take it with a pinch of salt and you can judge it on that parameter. अगर वो person बाकी लोगों के साथ openly अपना love, affection,
एक्सेप्टेंस को डिस्कस करता है पर आपके साथ नहीं करता है, देन दैट्स अ साइन दैट प्रोबेबली ही और शी इज नॉट होल्डिंग यू एज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन लाइफ. बट अगर वो किसी के साथ भी नहीं करता, आपके साथ भी नहीं करता, बिकॉज इट इज अ कल्चरल बैरियर इन आर सिचुएशन, देन प्लीज यू कैन यू नो टेक इट की प्रॉब्ली दैट पर्सन इज आइदर एन इंट्रोवर्ट और कल्चरली ओरिएंटेड. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज शायद ये होगी कि आप ओपनली अपनी हर बात, चाहे वो आपकी गलती हो, चाहे वो आपका अचीवमेंट हो, और चाहे वो आपके बारे में कुछ ऐसा रहस्य हो जो कि आप किसी और को ना बताना चाहें, आप वो सब उससे जाके बिना किसी झिझक के डिस्कस कर सकते. सो ये कुछ चीजें होती हैं जो कि हमें बताती हैं कि ये एक रिलेशनशिप है और इस रिलेशनशिप में हमको इन्वेस्ट करके इसको नर्चर करना चाहिए. ओके मैम, अगर हम बच्चों की बात करें तो रिलेशनशिप्स को लेके हमारे पास एक व्यूअर का सवाल है. अजीत सिंह पूछ रहे हैं कि बच्चे रिलेशनशिप्स को लेके बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो जनरली अपने फ्रेंड्स पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और पेरेंट्स पे और टीचर्स पे कम ट्रस्ट करते हैं, इन्हें कैसे पढ़ाया जा सकता है बच्चों को? इन्हें देखिए तन्वी, सवाल अजीत जी ने बहुत अच्छा पूछा है, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट हिज प्रॉब्लम, ऑल ऑफ अस, आपने मैंने भी ये चैलेंजेस लाइफ में चैलेंजेस फेस किए हैं जहाँ कि हमें लगता था, एंड माय पेरेंट्स स्टिल कम बैक एंड टेल मी कि यू नो एक जमाना था जब टीचर यूज्ड टू बी दी ओनली राइट पर्सन इन लाइफ. तो ये फेजेस भी होते हैं लाइफ के, और अगर हम इनको थोड़ा सा सोशल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इनको समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है. जीवन के हर एक पड़ाव पे आपके जिंदगी की नीड्स बदलती जाती हैं, और जो रिलेशनशिप इस नीड को केटर कर पाती है वो रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट हो जाती है. अजीत जी, अगर मैं सही समझ रही हूँ तो ही माइट बी, अगर सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट है, अगर नवी या आठवीं दसवीं के छात्र हैं तो ऑब्वियसली इस समय उनकी करियर नीड्स बन रही हैं. ही इज प्लानिंग अ करियर, ही इज थिंकिंग अबाउट अ करियर, एंड ही वॉन्ट्स टू टेक अ डिसीजन इन दैट डायरेक्शन. सेकेंडली, अगर इस स्टेज को हम फोकस करें तो साइकोलॉजिकली ये आइडेंटिटी फॉर्मिंग इंडिविजुअल डेवलपमेंट की एक स्टेज होती है जहाँ पे आदमी अपने स्वयं को निर्धारित करता है, नर्चर करता है और समाज में स्थापित करने की कोशिश करता है. सो व्हेन यू आर डेवलपिंग योर सेल्फ, सो पेरेंट्स आर टेकन फॉर ग्रांटेड बिकॉज दे हैव बीन देयर फ्रॉम लाइफ डे वन, एंड यू थिंक दे आर देयर एंड दे विल ऑलवेज सी यू इन अ गिविंग पैशन. आप उनके लिए शायद बच्चे ही रहेंगे हमेशा. तो फिर स्टेज पे अजीत जी जैसे बच्चे जो इस लेवल पे हैं, उनके मन में ये चीजें आने लगती हैं कि अब जब समाज में निकलना है और अपने स्वयं को स्थापित करना है तो मुझे और लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करना है, उनको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, उनके साथ ज्यादा उठना बैठना पड़ेगा. ऑब्वियसली अगर समझिए आप और मैं हैं एक 15-16 साल के बच्चे और हम इंटरनेट बुलिंग पे जो है ना, मैं इंटरनेट बुलिंग से ग्रसित हूँ और मैं चाहती हूँ कि कोई मेरी मदद करे, तो 99.9% ऑफ द टाइम मैं आपके पास आऊंगी या किसी ऐसे के पास जाऊंगी जो मेरी जनरेशन का हो, जो कि समझे कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, ना कि मैं जाना पसंद करूंगी अपनी माता के पास या पिता के पास जिनको पहले मैं समझाऊं कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट पे बुलिंग कैसे होती है और मेरे साथ क्या हो रहा है. सो दीज आर एस्पेक्ट्स. तो अजीत जी आप कंफ्यूज मत होइए, इस लेवल पे आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बट सिर्फ मेरी आपसे विनती यह है कि माता पिता को पोस्टेड रखिए, उनको अपने लाइफ के बारे में पूरी तरह से अवगत रखिए कि वो जाने कि उनके बच्चे के जीवन में क्या चल रहा है. आप उनकी बात मानिए मत, पर आप उनकी बात एटलीस्ट सुनिए, उनको अपनी बात बताइए, और यदि ठीक लगे, आप कन्विंस्ड हो लॉजिकली, तो जरूर उनकी बात मानिए. नहीं तो आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स आर इक्वली गुड गाइड्स. पर हमेशा याद रखिएगा तन्वी, आई वुड लाइक टू ब्रिंग दिस पॉइंट इन दिस डिस्कशन दैट रिलेशनशिप्स आर नॉट ऑलवेज गुड. देयर आर बैड रिलेशनशिप्स जो आपके जीवन में नेगेटिव इन्फ्लुएंस लाते हैं, और ये जो मैंने पैरामीटर्स अभी तन्वी डिस्कस किए, this help us also to segregate the good relationships and the bad relationships. अगर आपकी relationship आपको इन मापदंडों पे सही उतरती नहीं दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आपकी वो relationship is not a good relationship, जिसमें आपके trust नहीं है, जिसमें आपकी openness नहीं है, जिसमें आपका frequency नहीं है of communication आपको dicey लगता है, तो 99.9% ये relationship is a bad relationship that is only taking from you.
रिलेशनशिप इज ओनली एज गुड एज इट इज म्यूचुअल. तो अगर ऐसी रिलेशनशिप है जीत जीत, देन देर इज रीजन फॉर कंफ्यूजन एंड देन यू शुड नीड टू रीअसेस दैट. आगे हम और थोड़ी बात करेंगे जिससे शायद आपका कंफ्यूजन थोड़ा दूर हो पाए. ओके मैम, क्योंकि मैंने बोला था कि रिलेशनशिप्स इम्पोर्टेंट होते हैं, मतलब इम्पोर्टेंट तो सभी के लिए होते हैं क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, और जैसे आपने भी कहा कि उनकी इम्पोर्टेंस होती है, तो अगर हम बच्चों को, बच्चों के लेवल को समझें और उन्हें बताना चाहें कि रिलेशनशिप्स क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, उनकी क्या जरूरत होती है, हमें क्या, हम रिलेशनशिप्स के बिना रह सकते हैं या नहीं रह सकते, तो इस बारे में कुछ बताइएगा. तन्वी, आपने शुरू में बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया था कि वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड वी आर सोशल एनिमल्स इन द टेक्निकल कोट अनकोट वर्ड ऑफ इट. तो जब हम सोशल हैं और हम एनिमल हैं तो हमारी नीड्स हैं, और हमारी नीड्स जो हैं ज्यादातर सोसाइटी के माध्यम से या सोशल कॉन्टैक्ट के माध्यम से पूर्ण हो सकती हैं. तो इसलिए हमको रिलेशनशिप्स की आवश्यकता होती है फॉर फुलफिलिंग दोज बेसिक नीड्स दैट आर देयर इन ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग. एंड देयरफॉर वी शुड फोकस ऑन रिलेशनशिप्स, क्योंकि अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स आर इमोशनल क्रीचर्स, एंड इमोशनल क्रीचर्स होने के उस पर हमको जरूरत पड़ती है हर लेवल पे एक ऐसे व्यक्ति की जो हमारे इमोशंस को बैलेंस आउट कर दे. तभी ऐसे होता है कि हम बहुत खुश होते हैं और उस स्थिति में हम थोड़ा सा चैलेंज फील करते हैं टू टेक गुड डिसीजंस और टू यू नो फोकस ऑन समथिंग. तब हमें जरूरत होती है उन लोगों की जो बोले ओके इनफ, अच्छा है, वेरी गुड, बट यू नीड टू फोकस आगे फ्यूचर में. कभी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब हम डाउन एंड आउट होते हैं, जब हमें जिंदगी में बिल्कुल सेंस ऑफ लॉस होने लगता है, देन यू नीड पीपल टू पुल यू आउट ऑफ दैट सिचुएशन एंड टेल यू ऑल इज नॉट लॉस, दिस इज जस्ट एन इंसिडेंट इन लाइफ, वील हेल्प यू, लेट्स मूव ऑन. सो रिलेशनशिप्स इसलिए जरूरी हो जाती हैं. कुछ चीजें मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगी, आई विल जस्ट पुट द स्लाइड. यहाँ पे यदि हम देखें तो रिलेशनशिप्स रिसर्च भी कहता है कि रिलेशनशिप्स के साथ प्रॉब्लम जो होती है वो ये है कि हम लोग रिलेशनशिप्स को बहुत बार सेकेंडरी ट्रीटमेंट देते हैं. हम लोग सोचते हैं मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम लोग सोचते हैं मनी वेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप्स आर यू नो अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दीज टू थिंग्स और मेनी अदर थिंग्स फॉर दैट मैटर. बट ऐसा नहीं है. साइंस ने, रिसर्च ने ये स्थापित किया है कई बार कि रिलेशनशिप जो हमारी होती हैं वो हमें वो लाइफ गिविंग फोर्स है दैट हैज द पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस द रिस्क ऑफ डेथ. और जैसे कि हम बात करते हैं ड्रग अब्यूज की और हार्ट एलिमेंट्स की और स्मोकिंग की, ये सब चीजें जिस तरीके से हमारे जीवन काल को निर्धारित करती हैं उसी तरीके से हमारी रिलेशनशिप्स कैसी हैं वो भी हमारे जीवन काल को निर्धारित करती हैं. तन्वी माइट वांट टू आस्क कि रिलेशनशिप्स में ऐसा क्या है कि यू नो दे कैन डिटरमिन डेथ. तो राइट, हाँ, तो द सिंपल थिंग इज कि यू नो आप जब उदास होते हो या जीवन में आपके लगता है कि कुछ आगे बढ़ने के लिए नहीं है, देन व्हाट डू यू डू, आपका जो फिजिकल बॉडी है वो धीरे धीरे वो स्ट्रेस से, उस नेगेटिविटी से इम्पैक्ट होने लगती है. स्टार्टिंग विद योर हार्मोन सिस्टम, आपकी ईटिंग, आपकी स्लीपिंग सब डिस्टर्ब होने लगती है. एंड ग्रेजुअली जो आपके शरीर के डिफरेंट अंग हैं जो आपके शरीर को पोषित और वर्कबल हालत में रखते हैं वो धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज होते जाते हैं. सो अगर देखें तो ये डायरेक्टली शायद इम्पैक्ट नहीं उतना पता चलता है डेथ पे, लेकिन इवेंचुअली एंड स्लोली इट हैज द पोटेंशियल टू इम्पैक्ट दैट लाइफ गिविंग फोर्स जो कि हम सबके अंदर होती है. ओनली टू मूव फॉरवर्ड, हम लोग फिजिशियंस और आजकल अगर रिसर्च में भी देखें कई थ्योरीज भी आ रही हैं. आई विल नॉट टॉक इन डिटेल अबाउट द थ्योरीज बिकॉज साइकोलॉजी इज नॉट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, बट अ लॉट ऑफ थ्योरीज इन साइकोलॉजी नाउ टेक रिलेशनशिप्स एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स फॉर मेंटल हेल्थ. और इसीलिए मैंने इस रिलेशनशिप के एस्पेक्ट को वेलबींग से लिंक करके टाइटल में दिया था कि जब आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं तो देर इज लॉट ऑफ होप, देर इज लॉट ऑफ हैप्पीनेस, देर इज लॉट ऑफ सेंस ऑफ वर्थ एंड देयरफॉर अ वेरी गुड सेल्फ एस्टीम दैट यू हैव. तो इसलिए रिलेशनशिप्स को हमें
कंटिन्यूसली नर्चर करना चाहिए एंड एजुकेटर स्पेशली टीचर शुड फोकस ऑन दिस एस्पेक्ट बिकॉज जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं हमारे और जो अडोलसेंट ईयर्स होते हैं सेकेंडरी टू सीनियर सेकेंडरी दीज आर द इम्पॉर्टेंट वंस जब आप लाइफ के पिलर्स को अपनी लाइफ में जो पिलर्स हैं जिनके आस पास आप अपनी लाइफ को फ्रेम करना चाहते हो वो बनना शुरू होते हैं तो स्कूल में टीचर्स की रिलेशनशिप इज अ फर्स्ट दैट यू नो शुड बी वेरी पॉजिटिव एंड वेरी गिविंग जब ये पॉजिटिव सपोर्ट लाइफ में होता है तो वो एक बफर जिसे कह सकते हैं वर्क करता है कि जब भी स्टूडेंट डाउन एंड आउट फील करता है एग्जाम आ रहा है अच्छे नंबर नहीं आए घर में सपोर्ट नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स परेशान कर रहे हैं तो जब ये टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है तो स्टूडेंट कैन ऑलवेज वॉक अप टू द टीचर एंड से मैम ऐसा फीलिंग हो रहा है मैं क्या करूँ जैसे कि अभी हमने अजीत जी का भी क्वेश्चन लिया कि कंफ्यूजन होते हैं सो आई मीन इफ अ टीचर इज द गाइड देन यू नो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व मैम हमारे पास ऐसे और भी सवाल हैं आशिका पूछ रही हैं कि रिलेशनशिप्स जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं क्या उनकी वैल्यू उसके ज्यादा बढ़ जाती है ग्रोइंग के साथ या फिर कम हो जाती है रिलेशनशिप्स की वैल्यू कभी कम नहीं होती है एंड थ्रू आउट लाइफ इट इज इम्पोर्टेंट हाउएवर द काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स यू वांट डू अंडरगो अ लॉट ऑफ चेंज जब आप एक छोटे बच्चे होते हो 10 साल की उम्र के अंदर के होते हो देन यू नीड फ्रेंड्स यू नो Who like to play, who are your gender में भी अगर लड़की है तो वो शायद girls को पसंद करेगी जो उसके साथ doll खेलना पसंद करे boys will not like playing doll. Boys हैं तो उनको boys के साथ खेलना पसंद आएगा अपनी उम्र के because वो cricket खेलेंगे लड़कियां शायद नहीं उतना खेल पाएंगी पर अगर एक कोई लड़की है जो कर सकती है तो उसमें फिर gender differences नहीं आते हैं पर relationship की importance as such is there always. और हर रिलेशनशिप का लाइफ में एक अपना महत्व होता है कुछ चीजों के लिए यू ऑलवेज गो टू योर मदर एंड योर फादर कुछ चीजों के लिए यू ऑलवेज गो टू योर फ्रेंड्स एंड फॉर अदर्स यू माइट गो टू अ डिफरेंट सोशल सर्किट ऑल टुगेदर बट रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस हमेशा इंटैक्ट है ओके वेरी वेल सेड मैम सनी के पास भी एक कंफ्यूजन है और सनी क्लास 10th में है इस वक्त और वो बोल रहे हैं जब वो क्लास 8th में थे तो उनकी टीचर ने उन्हें कहा था कि उनसे दोस्ती करो जो आपसे दोस्ती करना चाहते हैं तो ये सेइंग कि मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ और इस स्टेटमेंट को पूरी तरह से समझ नहीं पाया अच्छा सनी जी पता नहीं बट आपकी टीचर ने बात बिल्कुल सही कही है एंड विद ग्रेट रिगार्ड फॉर ऑल टीचर्स देखिए रिश्ता कोई एक तरफा नहीं होता हर रिश्ते के दो तरफे होते हैं जब तक कुछ आएगा नहीं तब तक आप कब तक देते रहेंगे है ना फिर आपके अंदर सेंस ऑफ लॉस आएगा आपके अंदर सेंस ऑफ सैडनेस आएगा आपके अंदर सेंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन भी आ सकता है कि जी मैं ही करे जा रहा हूँ सामने वाला को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है वो तो मजे से लिए ही जा रहा है तो आपकी मैम ने क्रक्स में एक छोटी सी बहुत बड़ी बात कही कि जहां पे आपको एक्सेप्ट किया जाए वहां जाइए सामने वाला बहुत अच्छा हो सकता है बट उसकी जो डेफिनेशन ऑफ रिलेशनशिप या फ्रेंड या यू नो लाइकेबल पर्सन है उसमें कहीं आप शायद नहीं फिट होते हैं या वो आपको पूरी तरीके से भी समझता ही नहीं है कि वो आपको इस तरीके से देख पाए तो इन दैट केस यू शुड नेवर इम्पोज योर सेल्फ ऑन समवन राइट अगर आप इम्पोज करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन होगा उस रिश्ते में लेकिन वो रिश्ता एक नर्चर्ड हैप्पी रिलेशनशिप जो कि आपको जीवन काल में आपके साथ चले और आपकी मदद करे वैसा रिश्ता नहीं बन पाएगा इसलिए शायद आपकी मैम ने बोला कि दोस्ती उससे करो जो आपसे दोस्ती करना चाहता है बिकॉज जब तक रेसिप्रोकेशन नहीं होगा म्यूचुअल नर्चरेंस नहीं होगी म्यूचुअल नीड सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तब तक वो रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं खींचता और खींचना हमारा पर्पस नहीं है हमारा पर्पस है साथ चलना और इंजॉय करना उस रिश्ते को सो क्रक्स सिर्फ ये है आई होप आई हैव सॉल्व योर कंफ्यूजन या आई थिंक अब उन्हें थोड़ा बेटर समझ आ गया होगा इस स्टेटमेंट के बारे में आई होप सो ओके तो मैम जैसे कि आपने रिलेशनशिप्स के की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया तो अगर हम क्योंकि अपने आप तो बनते नहीं है रिलेशनशिप्स हमें बनाने पड़ते हैं तो हमें किस तरह बनाने पड़ते हैं और क्या सिर्फ अपनी एज के साथ ही रिलेशनशिप्स बनाए दोस्ती बनाए तो वो रिलेशनशिप्स होते हैं या हम किसी भी एज लेवल के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं हेल्दी वंस तन्वी इट्स अ नाइस क्वेश्चन बिकॉज जनरली लोग सोचते हैं कि ना अपनी जनरेशन में ही एक अच्छी रिलेशनशिप बन सकती है
अपनी जेनरेशन से बड़े लोग क्या, अपनी जेनरेशन से छोटे लोग वो क्या समझेंगे मेरी बात, बट बिलीव मी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की साइकोलॉजी में हम लोग बहुत बात करते हैं. और कोई बहुत सीनियर आदमी भी बिल्कुल मन में बच्चा हो सकता है, ही कुड हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर जो आपको अपील कर सकता है. तो आई विल ओनली सजेस्ट कि किसी को भी आप एक फ्रेम में ना देखें, आप उसको चांस दें, एक्सप्लोर करें उस कम्युनिकेशन को कि क्या इसमें ये कुबत है कि मैं इसे एक हैप्पी और यू नो सैटिस्फाइंग रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. यदि है तो डोंट लेट जेंडर, डोंट लेट एज, डोंट लेट कल्चर कम इन बिटवीन, बिकॉज बिलीव मी अच्छे रिश्ते बहुत कम होते हैं जिंदगी में और उनको हमेशा चेरिश करना चाहिए. एज फार एज आप बोल रहे हो कि रिश्तों में क्या हम लोग को कोशिश करनी चाहिए कि अपनी जनरेशन में ही बनाए क्योंकि वो ज़्यादा हैप्पी होते हैं, तो ऐसा भी नहीं है. हैप्पीनेस भी हर जनरेशन के साथ ढूंढी जा सकती है. यू आर ऑलवेज इन टच विद योर मदर एंड योर फादर, यू आर ऑलवेज ट्रस्टिंग दैम एंड दे आर ऑलवेज गिविंग यू. तीन पैरामीटर्स जो एक किसी भी रिश्ते के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं वो इस रिश्ते में फुलफिल होते हैं. एंड इन स्पाइट ऑफ टाइम गैप, क्योंकि जब आप एडोलेसेंट फेज में होते हैं, करियर सीकिंग होते हैं, तब तक आप जो है थोड़ा माँ बाप से डिस्टेंस हो जाते हैं. पीयर ग्रुप बिकम्स अ लिटिल मोर इम्पोर्टेंट, सोशल लाइफ बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप माता पिता से थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस होते जाते हैं. बट आफ्टर दिस टाइम गैप, वेन यू एंटर फैमिली लाइफ, वेन यू एंटर अ करियर, अ स्टेबल करियर, यू अगेन कम बैक टू दिस ग्रुप एंड यू सीक एडवाइस एंड यू टॉक एंड यू डिस्कस. तो ऐसा नहीं है कि यू नो दैट देयर माइट बी टाइम गैप्स, बट यू कीप कमिंग बैक टू अ रिलेशनशिप एंड इट कीप्स टू होल्ड इट्स वैल्यू. हमारे भी 5-6 फ्रेंड्स होते हैं तन्वी, अगर आप अपने रिलेशनशिप पे रिफ्लेक्ट कीजिए, तो कभी कभी 5-6 फ्रेंड्स होते हैं. किसी से हम किसी प्रॉब्लम को डिस्कस करना ज्यादा बेहतर समझते हैं क्योंकि हमें लगता है वो इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझता है. कोई प्रॉब्लम हम किसी दूसरे पे पास जाके डिस्कस करना प्रेफर करते हैं बिकॉज वी फील कि ही विल बी अ बेटर पर्सन टू हेल्प मी आउट. तो हम ऐसे भी अपने रिलेशनशिप्स को सेग्रीगेट या कंपार्टमेंटलाइज करते हैं. तो इफ यू सी अराउंड यू एंड योर ओन लाइफ, आप देखेंगे आप कैसे ब्यूटिफुली अपने रिश्तों को मैनेज करते हैं. और उन पे जरा सा रिफ्लेक्ट करके जब आप वर्कअप ऑन करना शुरू करते हैं, तब वो रिश्ता एक लाइफ लॉन्ग रिश्ते में, एक गिविंग, एक नर्चरिंग रिश्ते में कन्वर्ट हो सकता है. ओके, तो मैम ये चीज तो बच्चों को पढ़ाई नहीं जाती है ना, ये तो खुद डिवेलप होती है ना, सब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल फर्क में. बिल्कुल तन्वी, आई कम्प्लीटली अग्री विद यू. ये जितने सोशल स्किल्स हैं हमारे, दीज आर नॉट समथिंग दैट कैन बी ट्यूटर्ड. इनको कहीं ना कहीं हमें यू नो जिसे बोलते हैं कि करके दिखाना पड़ता है. एक टीचर जब एक रिश्ते को कंडक्ट इस तरीके से करती है कि उसमें ट्रस्ट बनता है, उसमें कम्युनिकेशन बनता है, उसमें गिविंगनेस आती है, उसमें एक्सेप्टेंस आती है, तब वो चीज बच्चों को कन्वे होती है एंड दैट स्टूडेंट देन लर्न्स दोज स्किल्स कि यू नो इस तरीके से एक रिश्ते को कंडक्ट किया जाता है. इसी तरीके से पेरेंट्स का रोल है, इसी तरीके से पीयर ग्रुप का रोल है. द वे दे कंडक्ट द रिलेशनशिप इज हाउ इट इवेंचुअली डिवेलप्स एंड दैट्स अ प्रोसेस. आजकल के मीडियम्स बढ़ गए हैं, वी हैव इंटरनेट, वी हैव व्हाट्सएप ग्रुप्स, वी हैव आई डोंट नो हाउ मेनी मोर ग्रुप्स एंड वी डू एस्टैब्लिश कनेक्शंस, कम्युनिकेशंस विद अ लॉट ऑफ पीपल थ्रू दीज फोरम्स. बट व्हेन इट कम्स टू ट्रांसलेशन ऑफ अ कम्युनिकेशन चैनल इनटू अ रिलेशनशिप, दैट इज वेयर वी इवेंचुअली टेक द जंप ऑफ टेस्टिंग आउट ऑल दीज पैरामीटर्स दैट आई स्टेटेड अर्लियर इन द डिस्कशन कि ये रिश्ता क्या मुझे दे रहा है. और ये कोई चीज हम लोग ऐसी नहीं है जो बहुत कॉन्शियस लेवल पे करते हैं तन्वी. हम बैठ के चेकलिस्ट लेके नहीं देखते हैं, अच्छा इसने मुझे ये चीज इमोशनली और फिजिकली दी, इसने मुझे इतनी बार बोला यू आर वेरी गुड. यू डोंट डू इट लाइक दैट. इट जस्ट हैपन्स एट योर सबकॉन्शियस लेवल, बट यू हैव टू अलाउ योर ब्रेन दैट टाइम टू डू इट एंड यू हैव टू देन लिसन टू योर सेल्फ कि आपका जो इनर सेल्फ है वो आपको क्या बता रहा है कि इज दिस कम्युनिकेशन वर्थ इन्वेस्टिंग इनटू और वेदर इट इज नॉट. डू यू फील हैप्पी बीइंग एंड टॉकिंग विद दैट पर्सन और डू यू नॉट. एंड दैट इज द टाइम व्हेन यू शुड लिसन टू योरसेल्फ एंड वर्क अपॉन इट. ओके मैम, रोशनी पूछ रही है, अगर जैसे कि आपने बिल्कुल यही पॉइंट पे कि वेदर दिस
पर्टिकुलर रिलेशनशिप इज वर्थ पुटिंग एफर्ट इनटू और नॉट. तो अगर किसी को रियलाइज हो कि दिस इज नॉट वर्किंग आउट, मतलब दो फ्रेंड्स बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, झगड़े ज्यादा हो रहे हैं, तो क्या उसमें फिर भी एफर्ट डालना चाहिए टू मैनेज दैट रिलेशनशिप, और वी शुड लीव इट, ड्रॉप इट? रोशनी को मैं बोलूंगी कि देखिए, एक मुद्दे पे सामंजस्य ना बैठना इज नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर. वो मुद्दा क्या था, उसकी आपकी जीवन में क्या अहमियत थी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हाउ फ्रीक्वेंटली दिस वन थिंग कम्स अप एंड हाउ फ्रीक्वेंटली यू हैव अ डिसएग्रीमेंट और अ फाइट, दैट इज द डिसाइडिंग फैक्टर. अगर ये एक ही मुद्दा है जो बार बार आप दोनों के बीच में आता है और बार बार उसके ऊपर फाइट होती है, तो गिव इट वन और टू ट्रायल्स वेर यू शांति से बैठ के आप दो तीन लोग जो भी हैं उसको सॉर्ट आउट करिए कि ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, दिस हैज अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस इन माई लाइफ एंड आई वुड लाइक यू और अप्रिशिएट कि आप मेरी बात को समझें. बट अगर ये एक दो एफर्ट्स के बाद भी जो भी सामने वाला है वो रिलेंट नहीं कर रहा है और ये जो एक मुद्दा है वो आपके जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, देन आई थिंक इट इज टाइम टू डिस्टेंस आउट. किसी भी रिलेशनशिप को इन पर्सन आई वुड नेवर सजेस्ट कि यू नो गिव इट अ बैड एंडिंग और डू समथिंग वेरी यू नो अनकाइंड एंड एब्रप्टली एंड इट. लाइफ इज टू लॉन्ग एंड यू नो यू हैव नो राइट टू हर्ट पीपल बियॉन्ड अ पॉइंट. आप ये कह सकते हो कि आई एम हर्ट एंड आई डोंट लाइक दैट यू डोंट अंडरस्टैंड दैट दिस इज इम्पॉर्टेंट इन माई लाइफ. अगर फिर भी नहीं सामने वाला समझता है एंड यू स्टिल थिंक यू वॉन्ट टू होल्ड ऑन टू दैट वन थिंग, then you have to choose between one of the two and it is time to okay. So please okay. See the frequency of the fight, see the issue and its importance and try it out once or twice to talk it out. If things don't work out, then it's time to take a call. Okay, I'm sure ma'am Roshni is going to work out according to what I'm you sure, said. Yeah, oh. And I wish her luck. ओके मैम, रिलेशनशिप्स सभी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन आजकल लोग एडल्ट्स भी और बच्चे भी कहते हैं कि हमारे पास ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है. फ्रेंडशिप में देखिए, किसी भी चीज में क्वांटिटी और क्वालिटी वाला जो रूल है वो हमेशा लगता है तन्वी, है ना? तो क्वांटिटी क्वालिटी व्हेन आई से आजकल क्या होता है, वी इंडल्ज इन too many of relationships or acquaintances or communications se acquaintance se communication or communication se relationship, ye separate cheeze hain jisko hum sabko club kar dete hain aur hum kehte hain ye relationship hai, aur wo bhi bahut sari. Kuch hongi jo hamare Facebook pe hongi, kuch hongi jo Facebook aur WhatsApp pe hongi, kuch hongi jo Facebook WhatsApp aur calling pe hongi, कुछ होंगी जो फेसबुक व्हाट्सएप कॉलिंग एंड मीटिंग पे होंगी. तो हमने ना अननेसेसरी अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट भी किया हुआ है और टाइम को बहुत ही टाइट कर दिया है. अब कॉल भी अटेंड करना है, कॉल और व्हाट्सएप भी करना है, कॉल व्हाट्सएप और कम्युनिकेशन भी करना है और उसके बाद मीटिंग भी करना है, तो ऑब्वियसली आपके पास टाइम कम होगा. किसी भी चीज को नर्चर करने के लिए उसे अटेंशन चाहिए. अगर आप किसी के साथ बैठे हैं और पूरा टाइम कॉल ले रहे हैं या आप पूरा टाइम उस व्हाट्सएप पे मैसेजिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दैट पर्सन इज गोइंग टू फील आई एम नॉट इम्पोर्टेंट, राइट? तो जब आप वो फीलिंग सामने वाले को देंगे तो आपकी रिलेशनशिप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही है वो एक पर्सन के साथ. आप व्हाट्सएप को अगर तुरंत नहीं जवाब दिया या आधे घंटे में नहीं दिया तो फिर आजकल उसका भी बहुत बुरा लग जाता है लोगों के बीच. आपने फेसबुक पे उसकी फोटो को नहीं लाइक किया तो वो सोचेगा ये तो मेरा फ्रेंड नहीं है. तो वी नीड टू कंपार्टमेंटलाइज एंड अंडरस्टैंड दैट देयर इज वन लेवल व्हिच इज अक्वेंटेंस, देयर इज अनदर लेवल जिसके साथ मेरा कम्युनिकेशन चैनल है, एंड देयर आर ओनली अ लिमिटेड फ्यू जिनके साथ मेरा ये रिलेशनशिप है जिसको मैं नर्चर करूंगा, जिसको मैं अटेंशन दूंगा, जिसको मैं अपने एफर्ट्स दूंगा और जिसको मैं लाइफ टाइम नर्चर करूंगा. सो यू वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस यू विल सी द डिफरेंस इन योर रिलेशनशिप्स एंड योर कंफ्यूजंस. ओके ओके मैम, व्हाट एल्स कैन यू टेल अस अबाउट रिलेशनशिप्स, बिकॉज़ बहुत कुछ है इसके बारे में बातचीत करने के लिए. हाँ नहीं, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंडरी स्टेज, तन्वी मैंने कुछ स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं जिसमें आई एम ट्राइंग टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स द डिफरेंस
व्हाट इज दैट लिटिल फैक्टर जिसे करने से आपकी रिलेशनशिप में वो जिंग आ जाती है, जिसे हम लोग अगर आजकल की लैंग्वेज में बोले दैट मेक्स यू हैप्पी, दैट मेक्स द अदर पर्सन हैप्पी. आई विल जस्ट शेयर दोस स्लाइड्स. श्योर. एक तो सबसे बड़ी बात कन्वी, इफ यू सी दिस स्लाइड, कि जब भी आप रिश्तों की बात हम और आप करते हैं तो वो रिश्ता शुरू स्वयं से होता है. बिकॉज एक चीज जो कंसिस्टेंस है थ्रू आउट ऑल योर रिलेशनशिप इज यू. राइट. जब तक ये यू आपका जो है आपको समझ में नहीं आएगा और आप उसको उसका ड्यू नहीं दोगे, तब तक वो यू जो है जो स्वयं है वो दूसरे के साथ रिलेशनशिप में अपने आप को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, सही से प्लेस नहीं कर पाता है. तो अगर आपको एक अच्छा रिश्ता कायम करना है, जिंदगी में अच्छे रिलेशनशिप्स बनाने हैं, तो द फर्स्ट स्टेप इज दैट यू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद योर सेल्फ. और उसके लिए दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स दैट आई हैव लिस्टेड इन द पीपीटी. दैट एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज द कंसिस्टेंट फैक्टर अक्रॉस ऑल अदर रिलेशनशिप. कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि मैं आई कांट सस्टेन अ रिलेशनशिप, मुझे पता नहीं क्या है, हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ही हो जाती है. दैट हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम में कहीं पे वो जो सेल्फ वाला फैक्टर आ रहा है वो सॉर्टेड नहीं है. इसलिए आपको शायद रिश्ते बनाने में, रिश्ते कायम रखने में और रिश्तों में खुशियां लाने में प्रॉब्लम होती है. सेकेंड पॉइंट है कि आपकी जो रिलेशनशिप विद अदर्स है वो इसी के बेस पे बनती है. एंड वाई इज दैट? बिकॉज देन विद द पर्सनैलिटी वी कैरी विद अस ना इज दैट जिसे बोलते हैं ना विजिटिंग कार्ड, इट इज दैट विजिटिंग कार्ड दैट अट्रैक्ट्स पीपल, दैट शोज कि अच्छा इसकी पर्सनैलिटी में ऐसी चीजें हैं. कई बार आप देखते होंगे कुछ फ्रेंड्स हैं, एक बहुत टॉकेटिव होगा और एक बिल्कुल साइलेंट होगा, एक बहुत ही ज्यादा स्पोर्ट लविंग होगा और बिल्कुल स्टूडियस टाइप का दूसरा होगा. तो समवेयर दे सी ईच अदर दैट फुलफिलिंग ऑफ प्रोबेबली सम नीड दैट दे कुडंट डू देमसेल्व्स और दैट requires very special understanding that only that one person could give. So personality is something you should work upon. जिसे बोलते हैं ना, कुछ लोग के बहुत friends होते हैं, कुछ लोग को friends बनाने में दिक्कत होती है, कुछ लोग के एक ही दो friends होते हैं पर वो बहुत strong relationships होती है. So that is the difference is the personality factor. तो हमें अपनी personality पे focus करना चाहिए so that हम ऐसे लोगों को अपनी तरफ लाएं जिनके साथ हम लंबी relationships रख पाएं, ना कि ऐसे लोग जिनको you know थोड़ा सा फन चाहिए और आफ्टर दैट यू नो दे गो दे मूव ऑन टू समबडी एल्स. कि आपके साथ उनका वो एग्जॉस्ट हो गया कि जो काम आप करते थे उसमें थोड़े दिन उन्होंने किया, पेंटिंग किया थोड़े दिन आपके साथ पेंटिंग क्लास में, मजा आया लेकिन देन दे स्टॉप लाइकिंग इट, सो दे मूव ऑन टू अ डांस क्लास एंड मेड अनदर फ्रेंड देयर. सो यू हैव टू हैव दोज थिंग्स विच आर कंसिस्टेंट, दोज नीड्स जो लाइफ लॉन्ग होती है हमारी. फिर आपकी नॉलेज ऑफ सेल्फ और सोशल सेटिंग ऑल्सो डिटरमिन्स कि आप अपनी रिलेशनशिप्स को कैसे कंडक्ट करेंगे और किस लेवल तक नर्चर कर पाएंगे. लाइक आई सेड इन द बिगनिंग कि इंडियन कल्चर में बहुत ज्यादा फिजिकल कॉन्टैक्ट, हगिंग एंड यू नो केयरिंग वाली चीजें नहीं होती हैं. तो अगर आपको ये सोशल सेंस है तो इफ यू हैव यू नो फ्रेंड्स हु कम फ्रॉम अ वेरी कन्वेंशनल बैकग्राउंड, यू विल नो वॉट टू डू एंड वॉट नॉट टू डू. If there are gender barriers in the social setting, you would know how to conduct yourself as a different gender with a friend who is of a opposite gender. So ये छोटी छोटी चीजें जब आपने अपने self में nurture करते हैं, ये sensitivities, ये aspects, तो आपके लिए आसान हो जाता है relationships को conduct करना और उनको sustain करके उनमें खुशियां लाना. And now as I was talking earlier कि ये relationships को हम build कैसे करें, the adolescent is confused, उनको they have a choice between instant gratification and something that goes very slowly but lasts a lifetime. तो as I said कि पहले तो हम socializing से ही हमेशा शुरू करते हैं, आप किसी से मिलते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं, right? थोड़ा time right. spend करते हैं और कभी वो कॉल करता है तो आप अटेंड कर लेते हैं और आप वो जो बातें करता है उसको ध्यान से सुन के उसको ध्यान से हर चीज को रिएक्ट करते हैं, हर चीज का आंसर देते हैं, जिससे सामने वाले को लगता है ओके ही इज इंटरेस्टेड इन व्हाट आई एम टॉकिंग टू. दिस इज द प्रोसेस हाउ यू स्टार्ट एंड बिल्डिंग अपॉन अ रिलेशनशिप. ग्रेजुअली एंड स्लोली आप थोड़ी इंटेंस लेवल पे जाने लगते हैं, जब आपकी वो अक्वेंटेंस लेवल से चीजें थोड़ा आगे बढ़ती हैं तब आप
एक लेवल पे पहुंचते हो जहां पे आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि एक रिलेशनशिप में होने के कारण आप नॉन जजमेंटल हो जाओगे थोड़ा सा. यू वुड नॉट सी द पर्सन इन द कल्चरल फ्रेम और इन द फ्रेम ऑफ वॉट इज डन एंड वॉट इज नॉट डन. रादर यू वुड सी हिम और हर एज अ पर्सन एंड जज एंड सी द पर्सन इन अ नॉन जजमेंटल फैशन कि उसने ये किया तो उसके पीछे यही रीजन होगा, ऐसा आप नहीं सोचेंगे. आप उस पर्सन से पूछेंगे, अच्छा तुमने ये किया तो तुमने ये क्या सोच के किया, तो डू यू थिंक यू डिड द राइट थिंग, वुड यू हैव डन इट डिफरेंटली, आई थिंक यू शुड हैव डन इट लाइक दैट, वो वाला कम्युनिकेशन चैनल खुल जाता है. आप उस सामने वाले की नीड्स को समझते हो. जब वो आपके पास आता है आप उसके चेहरा देख के समझ जाते हो ओके शी इज अपसेट. So what do? You quietly sit. You know that person wants to talk to you or simply be with you and feel comfortable. So this is the understanding of the need that starts happening. Listening hone lagti hai, sharing of feelings hone lagti hai at a very honest level. Aap feelings ko fake nahi karte. If you are feeling sad and you are feeling like shouting, you will just go to your best buddy and you will say blah 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 and you will shout and the person will quietly listen and when aapne vent out kar liya, then that person will start. So that is the kind of understanding that develops. फिर आपको भी at a personal level कुछ efforts करने थे. कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि मैं सिर्फ दूंगा, मैं किसी से लूंगा नहीं. In that way relationship कहीं पे limit हो जाती है, scuttle हो जाती है. सामने वाले को भी feeling आती है कि you know he doesn't think I'm worthy, she doesn't think I can offer her anything. Those feelings are not good for a relationship. तो सामने वाले को भी allow कीजिए कि वो आपके मदद का हाथ बढ़ाए और आप उसको एक्सेप्ट कीजिए. कभी कभी हमारे अंदर भी कमी होती है, हमें बहुत बचपन से कभी कभी सिखाया जाता है यू नो किसी से कुछ लो मत, किसी से कुछ लो मत. सो हम फीलिंग लेवल पे भी उसको ले जाते हैं कि कोई आपसे बोले कि अरे दुखी मत हो तो यू गेट वेरी ऑफेंडेड. आई एम नॉट सैड, हू टोल्ड यू आई एम सैड, आई एम नॉट सैड. लर्न टू टेक इट, लर्न टू से दैट यस सामने वाला मुझे समझता है और वो मुझे हेल्प करना चाहता है. यू शुड ऑल्सो यू नो स्टार्ट एक्सेप्टिंग दिस. और सबसे okay, बड़ी बात okay. है कि हाँ लाइक्स अट्रैक्ट. मैम दीज आर द थिंग्स, हाँ जी दीज आर द थिंग्स वी आर वांटिंग टू टॉक अबाउट व्हेन बिल्डिंग अ रिलेशनशिप. और यहीं पे वो पैरामीटर भी बिल्ड करना होता है कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए अच्छी है या खराब. परफेक्ट मैम, क्योंकि आपने ऑलमोस्ट हमें सब कुछ बता दिया और क्वेरीज का आंसर भी दिया. ऑल द क्वेश्चंस कुछ और भी थे बट नहीं, आप ले लो तन्वी. हाँ, if you have the time, we can take a few questions. Right, we don't have the time. Oh, अच्छा, sorry. So we are wrapping up here. Thank you, आपका relationship से बात करने के. It was a very interesting and a very important topic for all the students. क्योंकि जैसा कि एक अजीत जी ने कहा था कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो हर लेवल के बच्चे कंफ्यूज होते हैं. आजकल तो अडल्ट्स भी कंफ्यूज होते हैं रिलेशनशिप्स को लेके. तो आपने क्लैरिफाई कर दिया बहुत अच्छे से. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू. सेम हियर. थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स. आपने ये प्रोग्राम देखा, हमारे साथ पार्टिसिपेट किया और इतने सारे सवाल भी पूछे. हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि थोड़ी देर में हम एक और टॉपिक लेके आ रहे हैं, सुलादी सप्ताल्स इन कर्नाटक म्यूजिक. थोड़ी देर में आप बने रहिए, अपने सवाल रेडी रखिए और भेज भी दीजिए हमें cieet.kishormanch@gmail.com पर. नमस्ते.